नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस वक्त आप मेरे साथ घंटी बजाओ कार्यक्रम हर रोज देखते हैं, क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से शपथ ले रहे हैं। मैं उसी की लाइव कवरेज के लिए इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूँ, तो घंटी बजाओ का ये खास एडिशन आज मेरे साथ आप लखनऊ से देख रहे हैं। बात होगी आज राजनीति के रक्त चरित्र की। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया, ये नरसंहार है। सवाल ये, आखिर इस तरह की राजनीति देश को कहां ले जाएगी? ये जो राजनीति की दिशा और दशा है, ये कहां ले जाएगी लोगों को? और उसके बाद ममता बनर्जी से जब इस बाबत सवाल पूछा जाता है, तो जानते हैं उनका जवाब क्या होता है। वो कुछ और राज्यों की घटनाओं का जिक्र कर देती है। अब सोचिए जरा, क्या एक राजनेता का ये चरित्र होना चाहिए? इस तरह के मामलों में क्या इस तरह की टिप्पणी होनी चाहिए? तो जो ये राजनीति का रक्त चरित्र है, उसके खिलाफ 8422 8400 पर आप घंटी जरूर बजाएं और हमारी ये पूरी पड़ताल देखिए। ये वही घर है जहां पर 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। बाबर मारा तो तुम तो कहने बोलो ना। गोली करे बाप मेरे वाले को। দুটো ঘটনাকে আমি কন্ডেম করছি। যে বেঙ্গল কি ফাইল হ্যাঁ বদলে কি রাজনীতি কা এবং আমি কিন্তু কোনো কথা শুনতে চাই না। একে পেলাম না, ওকে পেলাম না, বা দুজন পালিয়ে গেছে। তৃণমূল সরকার নে ইয়ে বহুত গন্ধা কান বাড়ায়। आप ममता बनर्जी नहीं, आप निर्मम बनर्जी। बंगाल बरसों से हिंसा की राजनीति का गढ़ रहा है। लेकिन बीरभूम की घटना ने हिंसा की सारी हदें पार कर दी। लोगों को जिंदा जला देना हिंसा नहीं बल्कि नरसंहार है। सोमवार की रात इस घर में 8 लोग चीख रहे थे, मदद मांग रहे थे, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ उनका दम घुटता जा रहा था। आग की लपटों में उनके बदन राख हो गए और अब उस राख पर बेशर्म राजनीति शुरू हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करीब 80 घंटे बाद बीरभूम के बोकतुई गांव में उन लोगों के बीच पहुंची जिन्होंने इस नरसंहार में अपनों को खोया। ममता ने यहां क्या कहा और क्या किया वो बताएं। उससे पहले आपको देखनी चाहिए वो तस्वीर जो सियासत का असली चरित्र बताती है। ये वो होर्डिंग है जो बीरभूम में सिर्फ इसीलिए लगाए गए क्योंकि ममता बनर्जी यहां आने वाली थी। होर्डिंग पर ममता की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाई गई, जिसे देखकर लग रहा था कि यहाँ कोई चुनाव प्रचार होने वाला है। यही नहीं, होर्डिंग के ऊपर लिखा है सुस्वागतम। सोचिए, जहाँ 8 लोग जिंदा जला दिए गए हैं और मुख्यमंत्री कथित तौर पर उनके परिवारों का दुख बांटने पहुँच रही हो, वहाँ इस तरह के स्वागत वाले होर्डिंग के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है। और यही वजह है कि इस पूरी घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है और ममता बनर्जी विरोधियों के निशाने पर है। आप ममता बनर्जी नहीं, आप निर्मम बनर्जी। बंगाल में राजनीतिक हत्याओं को लेकर ममता हमेशा से बीजेपी के निशाने पर रही है, पर बीरभूम में जो हुआ वो निस्संदेह निर्मम है। मृतकों के शवों के पोस्टमार्टम में इस बात का खुलासा हुआ है कि 2 बच्चों समेत 8 लोगों को बुरी तरह पीटा गया, उसके बाद उन्हें बंद करके घर में आग लगा दी गई। और यही वो स्पॉट है, यही वो घटना स्थल है जहाँ पर
इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। कल ही फॉरेंसिक टीम आई थी, इसके बाद इस पूरे इलाके को, पूरे घटनास्थल जहां पर ये जो मकाने जलाई गई और हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वहां पर पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। फिलहाल वहां पर कोई नहीं जा सकता है। और कल बीजेपी प्रतिनिधि दल आई थी और वाम प्रतिनिधि दल भी आए थे, लेकिन वहां पर अंदर किसी को जाने नहीं दिया गया। आज एसआईटी की टीम जांच पड़ताल के लिए यहां पहुंची। अब इस पूरे इलाके की कड़ी घेराबंदी कर दी गई है। मुख्यमंत्री के आने से पहले सीसीटीवी भी लगा दिए गए, पर सवाल है कि सोमवार रात को यहां जो हुआ, क्या उसका पूरा सच सामने आ पाएगा? लिली खातून और काजी साजिदुर की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। लिली शबे बारात की खुशी मनाने अपने मायके आई थी। वो नहीं जानती थी कि उनकी खुशियां मातम में बदलने वाली है। हटार पर किसी जहन होलो ना, कांच फांच भेंगे बाड़ी सब सुनते बेचे हमरा बाड़ी भीतर थे। तार पर जखन किसी ना कोई तबल ले काउ के पहले ना तो हम बोलते आगुन लगी जाए। काजी साजिदुर के घर में भी कोहराम मचा हुआ है। माँ बाप अपने बेटे के शव को भी नहीं देख पाए। চিহ্নিতকরণ করা যায়নি। তদন্ত চাইছে যারা আমার নির্দোষ ছেলেকে মেরেছে। আমার ছেলে তো মাদ্রাসায় থাকতো, আমার ছেলে তো অন্যায় কিছু করে না। শ্বশুর বাড়ি গিয়েছিল 2 দিন কালেকে বেড়াতে। নির্দোষ ছেলেকে আমার যখন পুড়ি মারা হয়েছে, তাদের আমি ফাঁসি চাই, তাদের কঠোর শাস্তি চাই আমি। আর আমার তো গরিব মা বাবা, সেই ছেলেই আমাদেরকে রোজগার করে খাওয়াতো, এখন আমরা কি করবো? लोगों का यही दर्द उस वक्त भी छलक आया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन लोगों से मिलने पहुंची। पीड़ित परिवारों के लोग फूट फूट कर रोने लगे। ये वो लोग थे जिनके घर के सदस्य जिंदा जला दिए गए थे। रोते रोते कुछ सदस्य बेहोश तक हो गए। ममता बनर्जी ने उन्हें पानी पिलाया, सिर पर हाथ फेरा और आंसू पोंछे। ममता बनर्जी जब पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची, उस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता रूमा पॉल मौके पर मौजूद थी। ममता बनर्जी पहुंच गई हैं, हम देख पा रहे हैं। फिलहाल जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि थोड़ी दूर पर है, जहां पर जो विक्टिम के परिवार हैं उनसे वो मिल रही हैं, क्योंकि यहां पर दोनों पक्षों के लोगों को यहां पर बुलाया गया है। जो भादु शेख के परिवार हैं, जिसकी हत्या मर्डर हुआ था, उनके परिवार के जैसे लोग हैं। और दूसरी तरफ आगजनी की घटना में जिनकी मौतें हो गई हैं, आग में जलकर झुलस गए हैं, मर गए हैं, उनके परिवार को भी बुलाया गया है। उनके परिवार से अचानक वो लोग आ गए हैं, सामने आ गए हैं और रोने लगे हैं। भादु शेख, ये वो नाम है जिसकी हत्या के बाद हिंसा की घटना को अंजाम दिए जाने की बात हो रही है। सोमवार को क्या हुआ था वो समझिए। भादु शेख एक पंचायत नेता थे जो एक दुकान पर मौजूद थे जब उनकी हत्या कर दी गई। उसी रात एक के बाद एक 12 घरों में पेट्रोल बम से आग लगा दी गई। कहा जा रहा है कि अपने नेता भादु शेख की हत्या का बदला लेने के लिए मकानों में आग लगा दी गई थी, जिसमें 8 लोग जिंदा जलकर मर गए। 8 में से जले हुए 7 शव एक ही घर से निकाले गए। घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है, सन्नाटा पसरा हुआ है, घरों में ताले लटक रहे हैं। बिल्कुल सुबह का मौका है, फिर भी हम देख रहे हैं कि गांव में बस ताले पड़े हुए हैं पूरे इलाके में, और कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। क्योंकि वैसे भी हम लोगों ने बात किया है यहाँ के लोगों से, आतंक का माहौल है और वो लोग मतलब चाह रहे हैं कि ये जो पुलिसी व्यवस्था की पुरजोर किया जाए, यहाँ पर स्थायी एक पुलिस कैंप बनाया जाए, जिससे लोग जो आतंक में है, यहाँ पर जो इस तरह का कांड हुआ है, इससे काफी वो लोग घबराए हुए हैं। वैसे कई लोग हैं जो कि गांव छोड़कर चले गए हैं। आपने की घंटे के छेड़े चले जाते हैं? हां, एगुलो बिक्री करले परे आमी चले जाबो। কেন চলে যাবেন কেন? এখন তো পুলিশ রয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী আসছে, সব গায়ের লোক পালাছে। এই দেখে আতঙ্ক লাগছে আমাদেরকে, ভেতর শুকিয়ে গেছে, পুলিশ দেখে আরো ভেতর শুকিয়ে। पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने समय पर एक्शन नहीं लिया। अगर पुलिस मुस्तैद होती, बीरभूम को हिंसा में जलने से रोका जा सकता था। गुरुवार को ममता बनर्जी जब रामपुर हाट पहुंची, तो उन्होंने भी अधिकारियों को दायित्व न निभा पाने के लिए खरी खोटी सुनाई। घटना जखन देखलेन एकजन खून हो गेल, খুন হয়ে যাবার পরেও তার প্রিকশন নেওয়া উচিত ছিল, যাতে আর কোনো ঘটনা না ঘটে। আর এখানে সুতরাং যারা যারা দায়িত্ব পালন করেনি,
इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष का आरोप है कि रामपुर हाट का टीएमसी ब्लॉक प्रमुख अनारुल घटना के लिए जिम्मेदार है। और जब ममता बनर्जी ने अनारुल की गिरफ्तारी की बात कही तो पीड़ित परिवार के सदस्यों में संतोष की लहर दौड़ गई। हमरा खूब खुशी है, खुशी पूरा मौका खुशी। हम बात कर रहे थे, एक ऐसी महिला थे जिसका कहना था कि उसकी माँ का, दादी का और चाची का सबका देहांत हो गया है, सब इस आग से झुलस कर उनकी मौत हो गई है और मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया है इससे वो खुश है। ये आलिशान घर टीएमसी के ब्लॉक प्रमुख अनारुल हसन का है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश के कुछ ही देर बाद अनारुल को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल तो ये है कि जिस वक्त ये सब हो रहा था तब यहाँ का प्रशासन और पुलिस क्या कर रही थी? उस गांव में जहाँ ये निर्मम हत्याएं हुई हैं, वहां महिलाएं कह रही हैं कि पुलिस नदारद थी, 90 मिनट तक पुलिस नहीं आई, पूरी रात पुलिस का कोई वहां व्यक्ति नहीं रहा। जब बंद कमरे में महिलाओं को मार करके जलाया जा रहा था, पुलिस ये सब कुछ जानते हुए भी वहां पुलिस नहीं थी। क्या कारण था पुलिस का नहीं? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, कहीं ना कहीं उसको निर्देश मिला हुआ था कि पुलिस को वहां पहुंचने नहीं देना है। ये मध्यकालीन बर्बरता की जीता जागता नजारा है। यह दानव नहीं, यह मानव राज नहीं, दानव राज चल रहे हैं। ये मानव राज की बदले दानव राज हावी हो चुके हैं। आप थोड़ा नजारा देख लो और खुद समझ लो। अब ममता बनर्जी भी ये मान रही हैं कि इस मामले में पुलिस और प्रशासन से बड़ी लापरवाही हुई है। एसडीपीओ तो दायित्व पालन करेनी, आईसीओ तो दायित्व पालन करेनी, जरा जेने शुने पुलिस के ठीक मतो काजे लगाएनी, आमी तादेर कठोर शास्ति चाई। केस एमन करे तैयारी करते हबे परिवारेर लोकेदेर कथा, पापोषीदेर कथा निये, एबं आमी किन्तु कोनो कथा शुनते चाई ना जे एके पेलाम ना ओके पेलाम ना बा दुजन पालिये गेछे, जेखाने पालाक धरे निये आसते हबे। वहीं टीएमसी के सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इनकी मांग है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाया जाए। टीएमसी का आरोप है कि राज्यपाल इस घटना को लेकर राजनीतिक बयान दे रहे हैं। उधर बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल ममता बनर्जी की घेराबंदी करने के लिए बीरभूम के बोकतुई गाँव पहुँच गया। यानी सच यही है कि 8 लोगों को जिंदा जलाने वाली ये घटना अब सभी के लिए सिर्फ राजनीति का मुद्दा बन गई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।